आज हम सर्दियों की एकदम स्पेशल खास तिल की पापड़ी या तिल पट्टी कह लीजिए, वो बनाना बताएंगे जो एकदम परफेक्ट बनेगी, कुरकुरी बनेगी और ऐसे खास ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना बताऊंगी जिससे ये दांतों में चिपकेगी नहीं और पहली बार भी अगर आप बना रहे हो खराब हो जाती है तो एकदम बढ़िया परफेक्ट बनेगी। तो आइए आज की लाइव वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति। एकदम पापड़ जैसी पतली हम आज गुड़ और तिल की पापड़ी यानी पट्टी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और पैन में मैंने करीब 1 बड़ा चम्मच जितना पानी डाल लिया है। पानी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, जो चिक्की वाला गुड़ आता है ना वो लेना है आपको। और गुड़ डाल के हमें बस इसको मेल्ट करना है जल्दी से। तो पानी हमने इसलिए डाला है ताकि जो गुड़ है ना वो पैन में चिपके ना, और जो गुड़ है वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, जल्दी से पिघल जाता है। तो इसलिए गुड़ के साथ हमेशा 1 बड़ा चम्मच जितना पानी जरूर डालें। तो वीडियो बहुत ही खास और अमेजिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन हम तिल पापड़ी या तिल पट्टी बनाने वाले हैं आज, और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और लाइव वीडियो में मैं आपको ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ तो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए गुड़ यहाँ पे हमने जल्दी से मेल्ट कर लेना है। तो अभी मैंने फ्लेम को ना मीडियम टू हाई पे रखा है ताकि गुड़ मैं आपको जल्दी से पिघला के दिखा सकूं। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज कमेंट करके अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, देश विदेश के कौन से कोने से आप जुड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जानकर। तो जरूर कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा और रेसिपी कैसी लगती है, आपने कभी खाई है, जरूर खाई होगी शौक से। बहुत लोग सर्दियों में ही तिल गुड़ की पापड़ी खाते हैं, बाजार से लाके खाते हैं एक्चुअली, पर बाजार में काफी मिलावटी मिलती है ये गुड़ तिल की पापड़ी और हाइजीनिक भी नहीं रहती, और घर में बनाना काफी आसान होता है दोस्तों और किफायती भी। तो ये देखिए गुड़ को मैंने यहाँ पे ना मेल्ट कर लिया है। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को ना जल्दी से बंद कर दिया है क्योंकि हम इसको अभी छानेंगे ताकि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है ना, अगर गंदगी होगी तो वो छन के निकल जाएगी। तो इसलिए पहला जो स्टेप है वो गुड़ को पिघलाने का है और फिर इसको हमें इस तरह से छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी के ऊपर गुड़ को छान लिया है और वापस से हम पैन रख देंगे। और ये जो गुड़ हमने छाना है ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो एकदम परफेक्ट टिप्स बताने वाली हूँ आप सबको परफेक्ट तिल गुड़ की पापड़ी बनाने के लिए। जैसे आप मूंगफली की चिक्की बनाते हो ना वैसे ही आप बहुत आसानी से ये गुड़ तिल की पापड़ी भी बना सकते हो। और सेम मेथड है एक्चुअली, जैसे आप चिक्की बनाते हो वैसे ही सेम वही प्रोसेस होता है। तो आप तिल की जगह पे अगर मूंगफली वाली चिक्की बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हो। वापस से मैंने छानने के बाद इसको पैन में डाल दिया है और अब इसको हमें खूब पकाना है जब तक कि वो वाली हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती जमने वाली, जब एकदम पापड़ जैसी टूटने ना लगे तब तक हमें इसको पकाना है। तो सारे टिप्स बताऊंगी मैं आपको कैसे कब तैयार होगा ये, तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहे। तो अभी फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है और लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना ना गुड़ जलने लगेगा। वैसे आप घर पे बना रहे हो अगर तो आप इसको लो फ्लेम पे ही बनाइएगा, पर मैं आपको लाइव वीडियो में बनाना बता रही हूँ दोस्तों, तो मैं आपको जल्दी से दिखा सकूँ इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है। टीनू बजाज जी जुड़ी हैं, हेलो कह रही हैं, हाय टीनू जी कैसे हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ घर वालों के साथ भी जरूर शेयर करना जिससे वो भी ये रेसिपी आसानी से घर पे बना सके। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत सेहतमंद होता है, गुड़ से बनी हुई काफी सारी चीजें हम बनाते हैं और ये तिल गुड़ की पापड़ी भी
आपको अगर खाना पसंद हो तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए ना आप कोई भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा या फिर नॉनस्टिक पैन लीजिएगा और बस इसको हमें बिल्कुल बिना छोड़े इसको चलाते रहना है। और ये कब तैयार होगा मैं आपको बताऊंगी, पानी में डाल के इसको चेक करना होता है। प्राची जी जुड़ी हैं यूपी से, थैंक यू प्राची जी, कैसे हैं आप। तो आप घर पे बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आपको लगातार चलाते रहना है और साथ ही में आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के पकाना है इसको, क्योंकि मैं लाइव वीडियो में ज्यादा आपको लंबा वीडियो नहीं दिखा सकती, तो इसलिए मैं जल्दी से आपको बना के दिखा रही हूँ। गुड़ जलने का भी डर होता है तो इसलिए आप इसको बिना छोड़े ही चलाइएगा। और इसके साथ जो तिल लगेगी दोस्तों वो मैंने यहाँ पे भून के रखा हुआ है पहले से ही, ताकि तिल भूनते हुए मैं आपको दिखाऊंगी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया था तो उसके हिसाब से मैंने 150 ग्राम यहाँ पे तिल ली है, सफेद वाली जो तिल होती है। और तिल को मैंने 4-5 मिनट पैन में डाल के खूब अच्छे से भून के निकाल लिया था। तो रेशियो का भी आपको ध्यान रखना है कि 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 150 ग्राम तिल लिया है। तो देखिए एक बार, अभी थोड़ा टाइम हुआ है इसको पकाते हुए, अब मैं एक बार आपको इसको पानी में डाल के चेक करके दिखा देती हूँ। और अभी देखिए पानी में जाके ये बैठ गया है, ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है, तैर नहीं रहा है, मतलब ये हमारा तैयार नहीं हुआ है। तो अभी इसको हम और पकाएंगे 4-5 मिनट। प्राची जी बोल रही हैं मैं थोड़ा लेट आई, कोई बात नहीं प्राची जी, अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकती हैं। प्राची जी ने पूछा है गुड़ डायरेक्ट पकाया है या पानी डाला। जी मैंने थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच पानी डाला था और फिर मैंने गुड़ डाल दिया था। गुड़ को आप कद्दूकस कर लीजिए या फिर छोटे टुकड़ों में नाइफ से काट लीजिए। तो चिक्की वाली गुड़ बहुत आसानी से आराम से आपको मिल जाएगी तो वो आप ले सकते हो और उससे आप ये तिल पापड़ी बना सकते हो। तो सर्दियां बस आ ही गई हैं और अभी कड़ाके की एकदम ठिठुरती ठंड वाली सर्दी भी आने वाली है, तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, और गुड़ की एक्चुअली तासीर गर्म होती है तो गुड़ से बनी चीजें तो जरूर खानी चाहिए सर्दियों में। चेरी जी जुड़ी हैं, वाह मजेदार लिख रही हैं, थैंक यू चेरी जी। आकाश गुप्ता जी थैंक यू जुड़ने के लिए। सरोज जी जुड़ी हैं थैंक यू। तो देखिए अभी पकाते पकाते इसका कलर कैसे एकदम लाइट होता जा रहा है और इसमें काफी बढ़िया बबल्स बन रहे हैं। जो सही परफेक्ट एकदम तिल पापड़ी की राज है ना, मतलब सही तरीके से बनने की जो पहचान होती है वो है टाइमिंग का फर्क होता है। सही टाइम पे आपको इसको सही तरीके से पकाना होता है और टाइमिंग बहुत मैटर करती है इसमें, कि कब आपको ये देखना है, निश्चित करना है कि ये तैयार है। तो इसको पानी में डाल के चेक करना होता है बार बार कि ये हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइम और हो गया है, इसको मैं एक बार और यहाँ पे बाउल में डाल रही हूँ और ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसको उंगलियों पे लेके चेक करेंगे। और चिक्की का जो कलर है ना वो भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा गुड़ लिया है। मार्केट में बहुत तरह के डार्क कलर का गुड़ आता है, थोड़ा लाइट होता है। चिक्की वाला जो गुड़ होता है ये थोड़ा सा लाइट कलर का होता है,
पर पकाते पकाते ये भी डार्क हो जाता है। तो एक्चुअली मुझे लगता है जो नकली गुड़ आते हैं, कई जगह पे नकली गुड़ भी मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लाइट कलर के होते हैं, तो वो आप लेने से बचें, वो आप ना लें। विमला जी जुड़ी हैं, सॉरी विमल जी जुड़े हैं सूरत से, थैंक यू। एक्चुअली विमला जी हमेशा आती है तो मुझे उनका नाम याद था। चरणजीत जी, सत श्री अकाल जी आपको। पुष्पा जी जुड़ी हैं, थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोहड़ी पे स्पेशल ये तिल गुड़ की पापड़ी गजब वगैरह बनाई जाती है मकर संक्रांति लोहड़ी पे जगह जगह पे, बट आप इसको ना जब चाहे बना के इंजॉय कर सकते हो। अभी तो काफी टाइम है लोहड़ी मकर संक्रांति में। तो देखिए मैंने जो बाउल में डाला था ना, वो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। और देखिए ये कितना बढ़िया टूट रहा है, लगभग हमारा तैयार है। एक बार और मैंने 2 मिनट बाद और पकाया था, तो अभी मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ कि हमारा कैसे तैयार हो गया है। अभी फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है, बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है। और ये देखिए जो मैंने गुड़ डाला था ना, यहाँ पे इस तरीके से ना टूटना चाहिए, आप इसकी आवाज भी सुन सकते हो। तो ये इस तरह से अगर आप तैयार करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी दांतों पे चिपकती नहीं है। अब इसमें ना हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी क्योंकि ये हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें एक चीज डालेंगे, बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा हमें बेकिंग सोडा डालना है, करीबन 2-3 पिंच जितना। और बेकिंग सोडा डाल के ना इसको हमें खूब अच्छे से चलाना है। इससे क्या होता है ना, गुड़ जो है ना बहुत हल्का फ्लफी हो जाता है और एक स्मूथनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा कड़क नहीं बनती है। तो देखिए कैसे इसका हमने बेकिंग सोडा डाला और कलर इसका स्मूथ हो गया है और बबल्स भी इसमें हल्के बनने लगे हैं। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया क्योंकि काफी गर्म है। और अब हम इसमें तिल डाल देंगे जो हमने भून के रखा हुआ है यहाँ पे, और तिल डाल के भी हमें इसको खूब अच्छे से मिला लेना है। तो जल्दी जल्दी आपको इस स्टेप करना होता है क्योंकि गुड़ ऑलरेडी जैसे हमने पानी में डाला, तो कितनी जल्दी ये आपने देखा कि ये पानी में जाते ही जम गया, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अब इसमें हम ना 1 बड़ा चम्मच जितना घी डाल देंगे। घी से ये बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा और एकदम बढ़िया बनेगा। तो इसको हैंडल करना एक्चुअली इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है। और थोड़ा सा तिल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा तिल और डाल दिया है। थोड़ा सा तिल मैंने एक्चुअली बचाया था ताकि ऊपर से मैं इसके डाल सकूं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ना इकट्ठा हो गया है पैन में और सिमटने भी लगा है। अब हम इसको पेपर पे ले लेंगे जिसपे हम इसको अच्छे से रोल कर सके। तो यहां मैंने देखिए एक बटर पेपर लगाया हुआ है घी लगा के एक्चुअली, तो फिर हमें इसको डालना है और एक चम्मच की मदद से सारा हम स्पैचुला से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें डाल दिया है। अब हम ये इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करना है बस। तो पेपर को शीट को हमें इस तरह से ना खूब अच्छे से फोल्ड करके जाना है। बस ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हम इसको कुछ सेकेंड के लिए ऐसे कर लेंगे ताकि ये ना काफी अच्छे से ठंडा हो जाए। और एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना होता, गरम गरम में ही इसको हमें रोल करना होता है। तो वीडियो में मैंने जो भी आपको टिप्स शेयर किए हैं ना,
अगर आप पहली बार भी बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल दांतों पे चिपकती नहीं है ये और एकदम खुरखुरी करारी बनती है। तो इस तरह से पेपर की शीट ले लीजिएगा या फिर बर्तन पे आप घी लगा लीजिएगा, उस पर भी आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हो। कई लोग प्लास्टिक की शीट पे करते हैं जो कि सही नहीं होता है गरम गरम प्लास्टिक के ऊपर डालना, तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से बिल्कुल प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप बटर पेपर का ही यूज कीजिएगा। देखिए लगभग मैंने इसको जितना चाहिए था उतना मैंने कर दिया है। अब इस पे ना हल्का सा मैं ऊपर से तिल और डाल रही हूँ जिससे ना दिखने में अच्छा लगता है, आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल है ये बिल्कुल। तो जैसे हम बिल्कुल आटा गूंथते हैं ना वैसे मैं इसको दबा दबा के ना प्लास्टिक की, आपने देखा मैंने सीधा कढ़ाई से इसको उठा के और पेपर पे डाल दिया है। अब हम इसको रोल करेंगे, अब ये तैयार है। तो वापस से मैंने एक और बटर पेपर ले लिया है इसके ऊपर रखने के लिए और फिर हम इसको अब रोल करने वाले हैं। बस आप ध्यान रखिए कि बटर पेपर पे भी आप घी लगा लें। तो यहाँ पे एक बोर्ड रख रही हूँ जिसपे इसको बेलने में आसानी हो। तो इस तरह से ना बहुत आसानी से ये बिल जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बस आपको हल्के गर्म में ही ये काम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एकदम परफेक्ट यहाँ पे हमारी तिल पापड़ी बनके तैयार हो रही है, तिल पट्टी। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर लिख के जवाब दीजिएगा। अभी मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ पर बाद में सबका मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। आपके जो भी सवाल हो वीडियो से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारा बेल के तैयार हो रहा है और आप कितना पतला भी चाहे ना उसको बेल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और आप इसको हल्के हाथों से मत बेलिएगा, जोर लगा के इसको बेलना होता है। तो बस जितना भी ये हो पाए ना, जितना भी आप इसको पतला बेल सके उतना आप इसको जरूर बेल लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो गया ना और जम गया ना तो फिर आप इसको बेल नहीं पाओगे। तो अभी भी ये काफी गर्म है, मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और आपकी भी तिल पापड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी दोस्तों। बस मैंने इसको बेल लिया है, अब और मैं इसको पतला नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, मैंने इसको जितना पतला हो सके उतना मैंने इसको बेला है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो एक्चुअली काटना भी इसको गरम गरम में ही होता है, ठंडा हो जाएगा तो आप ये इसको काट नहीं पाओगे, बहुत टाइट होता है। क्योंकि देखिए अभी से ही ना ये जमने लगा है, बस ऐसे निशान करके एटलीस्ट छोड़ने होते हैं कि बाद में तो ये बहुत आराम से क्योंकि टूट जाता है। और मैं आपको इसको ठंडा होके ना पूरा दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया हमारा ये तिल पट्टी बन के तैयार हुआ है।
ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है और कितना बढ़िया हमारा कट हुआ है। अब इसको दूसरी साइड से भी हम कट कर लेंगे। तो जिस शेप में चाहें आप उस शेप में आप इसको काट सकते हो, मैं स्क्वायर शेप में ही इसको कट कर रही हूँ। और बस 5 मिनट के अंदर ना ये ठंडा हो जाता है और एकदम क्रिस्पी करारा हो जाता है ये। तो इस बार मेरी रेसिपी से दोस्तों आप घर पे ही बनाइएगा, बाजार से ना लाके। बाजार के महंगे भी होते हैं और घर पे आपने देख लिया काफी सहूलियत होती है बनाना और काफी क्वांटिटी में भी आप किफायती तरीके से इसको बना सकते हो। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और अब ये हल्का सा हम इसको बस ठंडा करेंगे और फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चीज ले ली है जिससे मैं इसको हवा कर सकूं और जल्दी से ठंडा करके आपको दिखा सकूं। तब तक मैं आप सबके कमेंट एक बार चेक कर लेती हूँ। सुनीता जी जुड़ी हैं दिल्ली से, थैंक यू सुनीता जी। मीना जी ने वेरी नाइस लिखा है, थैंक यू नूतन जी, थैंक यू भूपेन जी यमी लिखने के लिए। विमल जी थैंक यू, विमल जी ने कहा है तिल पट्टी कहते हैं, थैंक यू जवाब देने के लिए। पूनम जी पूछ रही है कि थाली से दबा के बेलना है, बेलना नहीं पड़ेगा जी। बिल्कुल थाली की जगह ना इस तरीके से ना आप ये बटर पेपर शीट ले लीजिए, बहुत इजीली जैसे मैंने आपको दिखाया ना बहुत इजीली आप इसको बेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी भी ये काफी गर्म है और गर्म जब होता है तो ये थोड़ा सा नरम ही रहता है, पर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है ना तो देखिए मैं आपको जितना हो सके इसको तोड़ के दिखाती हूँ। धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसको अलग कर लेती हूँ। अभी भी आप इसकी कटकट की आवाज सुन सकते होंगे कि ये कितनी आसानी से ये हमारा टूट रहा है। तो सुन रहे हैं ना आप दोस्तों इसकी आवाज कितनी ज्यादा हमारी कुरकुरी करकारी क्रिस्पी हमारी ये तिल पट्टी बन के तैयार हुई है यहाँ पे। अभी बीज का जो पार्ट है वो थोड़ा गर्म है और इसको फिर गरम गरम में तोड़ने से ना इसका शेप भी बिगड़ने लगता है। तो मैंने यहाँ पे पहले भी बना के रखा हुआ था और वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये मैंने थोड़ा अलग गुड़ यूज किया है, ये ज्यादा डार्क बना है। और ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। तो आप सुन रहे होंगे कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है और बिल्कुल भी दांतों पे चिपकती नहीं है ये और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है ना, तो ये टिप होता है कि वो जो दांतों में चिपक जाती है और काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो उस तरह से ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। और ये जो हमने अभी बनाई है ये भी काफी क्रिस्पी करारी बन के तैयार हुई है। तो एकदम परफेक्ट हमारे यहाँ पे तिल पट्टी दोस्तों बन के तैयार हो गई है और आप सब भी मेरी मेथड से ये तिल पापड़ी जरूर बनाना घर पे और कैसी लगती है जरूर बताइएगा। कौशल्या जी बोली है पंखा चला लीजिए, पंखा अगर मैं चलाऊंगी तो उसकी वीडियो में काफी आवाज होगी, आप सभी को पता है वीडियो में अलग से आवाज होती है तो फिर मेरी आवाज कम आएगी, इसलिए हम चिमनी वगैरह सब बंद करके रखते हैं। पर मेरी बिल्ली की आवाज आप सबको जरूर आ रही होगी, मेरी बिल्ली जब भी वीडियो बनती है तो बैकग्राउंड में
आवाज देती रहती, उसको पता है कि अब खाना मिलेगा अगर मैं आवाज करूंगी तो। तो देखिए हमारे यहाँ पे एकदम मजेदार घर की बनी हुई तिल पापड़ी बनके तैयार है। तो आप सब भी इस रेसिपी को जरूर बनाना दोस्तों, और कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पद्मा जी बोल रही हैं गुड़ की जगह के सब जगह शक्कर में बना के दिखाया। तो पद्मा जी आप चाहें तो शक्कर का यूज कर सकते हैं, बट अभी सर्दियों का टाइम है तो शक्कर में क्यों बनाना, गुड़ में ही बनाना मैं प्रेफर करती हूँ। और मैंने जैसे बताया चिक्की वाला गुड़ लिया था, ये वाला गुड़ तो इससे एकदम परफेक्ट बना है जैसा कि आप देख सकते हो। तो जरूर बनाइएगा और कैसी लगती है मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। बिहारी जी जुड़े हैं, उन्होंने वेरी नाइस लिखा है, थैंक यू। शिवानी जी पूछ रही है पीनट्स का भी ऐसा ही बनेगा क्या? जी बिल्कुल, पीनट्स से भी सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप पीनट्स की चिक्की बनाना चाहते हो तो बस आपको तिल की जगह पे वहां पे मूंगफली का यूज करना है, भुनी हुई मूंगफली का, तो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए मैं आप सबको थंबनेल में फोटो जरूर डालूंगी इसकी अच्छी सी फोटो लेके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।